फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फैंस सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्या होता है, स्क्रीन का टाइम होता है, यानी कि स्क्रीन का टाइम होता है। 15 सेकंड तक करेंगे तो 15 सेकंड तक आप ऑटोमेटिकली अपनी स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो आपकी ऑफ हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे कि मैंने 15 सेकंड कर लिया और 15 सेकंड तक हम स्क्रीन को टच नहीं करेंगे और हम स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेकंड पूरे होते ही मेरी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो गई है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो मैं यहाँ पर 30 मिनट कर लेता हूँ और मेरी ये 30 मिनट तक रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है ऑटो स्क्रीन ऑफ, यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।